आपको जो डिस्क ब्रेक मिल रही है वो है सिंगल पिस्टन कैलिब्रेशन सिस्टम, हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक इसमें लगाई गई है। इसका जो साइज है 150x70 का टायर आपको मिल जाता है। इसके अलावा 17 इंच के आपको अलॉय रिम यहाँ पर भी मिल जाते हैं और जो टायर यूज हो रहे हैं वो टोटली ट्यूबलेस हैं। फ्रंट मिरर की बात करें तो मिरर को आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। मीटर को देखा जाए तो टोटली डिजिटल मीटर आपको मिल जाता है। ऊपर देखें तो जहां पर इंडिकेटर्स अभी चल रहे हैं वहां पर आपको इसके टैकोमीटर की ऑप्शन मिल जाती है और ये साइड पर जो मैं बटन प्रेस कर रहा हूं यहां पर आपको हैजर्ड लाइट्स की ऑप्शन मिल जाती है और इस साइड पर आपको यूएसबी की ऑप्शन मिल रही होती है। मीटर में आपको बता चलूँ, मीटर में आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर और क्लॉक जैसी ऑप्शन मिल जाती है, फ्यूल गेज जैसी ऑप्शन आपको मिल जाती है, गियर इंडिकेशन जैसी ऑप्शन मिल जाती है और ये साइड पर आपको यूएसबी की ऑप्शन मिल रही है जैसा कि मैंने आपको क्लियर करके दिखाया इसको। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो ये ग्रिप्स हैं इसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन मुझे जो अच्छा लगा कि गाड़ी की तरह इनकी जो ये देख सकते हैं आप जो ऑप्शंस दी हुई हैं यानी कि ये रेड बटन के साथ जो वाइट्स ऑप्शन दी इनमें भी लाइट्स जो है वो चलती हैं जब आप इसकी हेडलाइट ऑन करते हैं यानी कि जब रात को आप ये बाइक चला रहे होंगे तो इनकी लाइट्स की ऑप्शन आपको नजर आने वाली है। यहाँ से भी मैं आपको ये दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें हाई एंड लो बीम, देखें यहाँ पर लाइट चल रही है यानी कि इस ग्रिप्स के अंदर भी छोटे छोटे LED बल्ब लगाए गए हैं जो कि इनको रोशन करते हैं और बाइक की खूबसूरती में एक नुमाया किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा लेफ्ट ग्रिप की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डिपर, हाई एंड लो बीम की ऑप्शन और डिपर के साथ भी आपको ये ऑप्शन मिल रही होती है कि जब आप डिपर प्रेस करते हैं तो लाइट्स इसमें ऑन होने वाली है। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं इसके टैंक की, आपको बताते चलें इसके टैंक में आप 13 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं। और अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इस बाइक की फ्यूल एवरेज क्या है, आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस बाइक को लॉन्ग रूट पर यूज़ करते हैं चलाते हैं तो इस बाइक की आपको जो एवरेज मिलने वाली है वो 30-35 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक वाला है। इसके अलावा अगर इसको शॉर्ट रूट पर यूज करते हैं यानी कि इन सिटी तो ये बाइक आपको 20-25 किलोमीटर पर लीटर जो है चलने की सलाहियत देने वाला है। उसके अलावा आप बैक लाइट देखते हैं बहुत अच्छे डिजाइन के साथ है, एक लॉन्ग लेंथ में LEDs एडजस्ट की गई है रेड कलर की और साथ साइडों पर आप देखते हैं बहुत अच्छे जो है ब्लू कलर की एक शेप दी गई है और काफी मैं देखा जाए तो लाइट्स को लेकर इस बाइक में इंडिकेटर्स को देखकर काफी अच्छे अच्छे डिजाइन इसमें लगाए गए हैं। इसके अलावा आप इसके बैक टायर की ग्रिप वगैरह भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की, आपको बताते चलो इसका जो इंजन है ये 4-स्ट्रोक ड्यूल सिलेंडर SOHC यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इसका इंजन है। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं वो है EFI की ऑप्शन मिल जाती है और ये एक वाटर कूल इंजन इसमें एडजस्ट किया गया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस इंजन की डिस्प्लेसमेंट की, आपको बता दूँ इस इंजन में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें मिली होती है वो है 400 क्यूबिक सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाती है और यहाँ पर ड्यूल एग्जॉस्ट यानी कि ये ड्यूल सिलेंडर है तो ड्यूल एग्जॉस्ट टॉसी का एग्जॉस्ट इसमें जो है लगाया गया है। इसकी अब साउंड में आपको बाद में भी चेक करूँगा। इंजन की दूसरी तरफ आ जाएँ तो साथ साथ हम बात करेंगे कि इसके कुछ बोर एंड स्ट्रोक के बारे में। जो इसका बोर है 63.5 mm यहाँ पर इसमें इसका बोर मिल जाता है। स्ट्रोक की बात करें तो 53.0 mm यहाँ पर इस बाइक का हमें स्ट्रोक मिल जाता है। इसके अलावा